Hi, this is Shivangi Joshi and you're watching me on Filmy Beat. Hi Shivangi, welcome to Filmy Beat. Firstly, happy birthday to you. क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है? I am very excited. मैं 2 साल के बाद celebrate करने वाली हूँ, so बहुत खुश हूँ. मेरी पूरी family यहाँ पे है. Yeah, I am very happy, very excited. प्रिपरेशन की बात करो तो जैसे कि अभी आपने कहा कि 2 साल के बाद बर्थडे आ रहा है, तो फिर क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से हो रही है? क्या कुछ आपने सोचा है कि यू वांट टू स्पेंड योर डे किस तरीके से आप करने वाले हो? सो आई विल बी सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे इन द मॉर्निंग विद खुशी एनजीओ किड्स. उनके बच्चों के साथ मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ सुबह, और फिर घर आऊँगी. बाकी मेरी पूरी फैमिली तो होगी, एंड आई हैव अ शूट ऑल्सो इन द मॉर्निंग, सो आई डू दैट बिकॉज आई लाइक वर्किंग बर्थडेज. आई लाइक टू वर्क ऑन माई बर्थडेज, सो आई डू दैट. एंड या फिर शाम को पार्टी. पार्टी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है बिकॉज वो मेरी फैमिली ही कर रही है. माई सिस्टर इज देयर, शी इज़ डूइंग एवरी थिंग. माई लिटिल ब्रदर हु इज़ नॉट सो लिटिल, वो सब हैंडल कर रहे हैं ये लोग. तो या बाकी पार्टी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट ये है स्केड्यूल. अभी सरप्राइज़ की बात करूँ या गिफ्ट की बात करूँ तो बर्थडे के लिए कितने एक्साइटेड होते हैं? वो सरप्राइज़ मिलता है या जब गिफ्ट मिलता है? मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ बर्थडेज़ के लिए, लेकिन सरप्राइजेस मुझसे बर्दाश्त नहीं होते. मतलब अगर मुझे हिंट भी हो जाती है ना कि कोई मुझे सरप्राइज देने वाला है, तो जब तक मैं वो सरप्राइज़ क्या है पता ना कर लूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं आता. मैं तब तक पीछे पड़ी रहूँगी और मैं वो पता कर ही लेती हूँ. तो इसलिए आई थिंक सब बहुत केयरफुल है इस बार. कोई कुछ मेरे सामने रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट गिफ्ट्स मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सबको बोल दिया है मुझे गिफ्ट चाहिए, और मैंने सबसे मांग लिए गिफ्ट. देखते हैं कौन देता है कौन नहीं देता. तुम नहीं देगा, उनसे बात नहीं करूँगी. इस गिफ्ट्स की बात करो तो यस, जब आप सेट्स पे थे तभी फैंस भी काफ़ी गिफ्ट देते रहेंगे, फैमिली मेम्बर्स देते रहेंगे, हर कोई जो है आपको गिफ्ट देते रहते. तो बेस्ट अगर गिफ्ट की बात करो तो जो आपके क्लोज है अभी तक, जो कुछ ऐसे मेमोरेबल वन, तो वो कौन से ऐसे गिफ्ट्स हैं या कुछ अगर आप बताना चाहो? सारे गिफ्ट बहुत स्पेशल होते हैं यार, अब वो कुछ भी हो. तो मुझे नहीं लगता मैं कोई गिफ्ट में कोई एक चीज़ आपको बता पाऊँगी, बट ऑल गिफ्ट्स आर वेरी स्पेशल. एंड जब वो आपकी फैमिली फ्रेंड्स या आपके ऑडियंस जो आपसे प्यार करते हैं, आपके वेल विशेज उनसे आए होते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो और भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है. एग्जैक्टली. एंड वेल, ये बर्थडे का हर बर्थडे रेजोल्यूशन यूजुअली लोग लेते हैं, तो आपका भी ऐसा कुछ है कि इस बर्थडे आपने कुछ रेजोल्यूशन प्लान किया है दैट दिस ईयर यू विल डू दिस एक्स वाई ज़ेड? अभी तक कोई रेजोल्यूशन एज सच प्लान नहीं किया है, बट आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट आई हैव जस्ट बिगन. अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है, बहुत मेहनत करनी है, और माई फैमिली, माई पेरेंट्स आर रियली प्राउड ऑफ मी, उन्हें और प्राउड फील करवाना है. एंड मैं अपनी तरफ से जो अच्छा लोगों के लिए कर सकती हूँ, जैसे कि खुशी एनजीओ का मैं अब हिस्सा हूँ, और मैं अपनी तरफ से खुशी एनजीओ के बच्चों के लिए जो कुछ कर पाऊँगी मैं करूँगी. एंड या दैट्स इट. फिलहाल कुछ रेजोल्यूशन नहीं है, बट ओके, मे बी आई से दैट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. एंड शिवांगी बेसिकली कैसी है, लेकिन अगर बर्थडे सेलिब्रेशंस की बात होती है तो पहले जब भी आप इतने पॉपुलर नहीं थे, जो प्राइवेट आपको टाइम मिलता था विद योर फैमिली एंड द क्लोज फ्रेंड्स, वो ज़्यादा आप एंजॉय करते थे, या आफ्टर लाइक कमिंग इन दिस इंडस्ट्री, गेटिंग दिस लाइमलाइट एंड अटेंशन ऑन कैमरा, ये वाले बर्थडेज जब होते हैं ये ज़्यादा आप एंजॉय करते हो? दोनों बर्थडेज की अलग ही खासियत थी. पहले देहरादून में जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते थे तो वो हमारी फैमिली, कज़न, यू नो, फ्रेंड्स के साथ होता था. वहाँ ऑब्वियसली लोग कम होते थे. अब जो इंडस्ट्री की यू नो लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, तो उसकी अलग खासियत है. वहाँ लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ एक्सटेंडेड फैमिली जो आपकी होती है, आपके शो के लोग, आपके प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए सारे लोग, वो सब उस पार्टी का हिस्सा होते हैं. तो दोनों ही है, दोनों की अलग खासियत है. वो अलग स्पेशल होता था, ये भी स्पेशल है. और यहाँ पे इस बार का बर्थडे तो और स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है, एंड माई नेफ्यू इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हियर. सो बेस्ट बर्थडे अगर मैंने पूछूँ तो अभी तक कौन सी ईयर की है जो आपको याद होगी एंड आपको लगता है दिस इज़ द वन ऑफ माई बेस्ट बर्थडे टिल टिल डेट? पता नहीं, सारे बर्थडे अच्छे हैं, दो छोड़ के. हाँ, लॉकडाउन वाले छोड़ के बाकी सभी बहुत. ओके, ये बर्थडे के लिए क्या कुछ आपने सोचा है कि लाइक नए साल में आप थोड़े ग्रो होने वाले हो, तो व्हाट न्यू थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न और ऐड ऑन टू योर जर्नी और योर न्यू करियर? मुझे हमेशा से ही नई चीज़ें सीखने का, नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक है. फिलहाल जैसे मैं हॉर्स राइडिंग सीख रही हूँ, तो जब मैं वो सीख जाऊँगी आई लर्न समथिंग एल्स. तो क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं इसे अच्छे वे में यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रही हूँ. एंड आई फील यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग.
जब तक जितना सीखो जितना जानो चीज़ों के बारे में उतना अच्छा। बर्थडे पे अगर खुद को सेल्फ गिफ्ट देना है तो कौन सी चीज़ आप देना चाहोगे खुद को? खुद को बहुत सारे गिफ्ट देना चाहूँगी। पता नहीं, एक नहीं बता पाऊंगी, मेरी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। लिस्ट में कोई अभी रीसेंट हो ऑन प्रायोरिटी? बाइक। हाँ, बहुत सारी लिस्ट है, वो खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। एंड वेल, बर्थडे के पहले फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे, ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहोगे, एंड कितना स्पेशल है ये बर्थडे, एनी मैसेज फॉर योर फैंस? बहुत स्पेशल है हर बर्थडे, आई थिंक बहुत स्पेशल होता है। सो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ये दिन बहुत स्पेशल है, आप लोगों के लिए ये दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं इंस्टा पे देख रही हूँ सब काउंटडाउन काफ़ी दिनों से चल रहा है एंड फाइनली बर्थडे आने वाला है। तो आई थिंक हमारी ऑडियंस और इंस्टा पे जितने भी लोग हैं, वो लोग भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और मैं सारे पोस्ट देख रही हूँ गाइस, सारे वीडियोज़ और सब देख रही हूँ, मुझे बहुत स्पेशल फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। सो उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू जो चीज़ें आप हमारे लिए करते हैं, हमें स्पेशल फील कराने के लिए। बस गाइस, इसी तरह आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहेगा, और मैं इसी तरह अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट करूं और आप लोग हमेशा इसी तरह एंटरटेन करूं।